मैं अभी ईरान में है, इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है इधर। कल मेरे को इंडिया से एक मैसेज आया, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाए। जैसा कि दोस्तों आप सभी भाइयों को पता था, साहब भाई का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो 18 तारीख को हैक हो गया था, लेकिन अब साहब भाई का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो वापस आ चुका है। और दोस्तों आज मैं आपको लैब प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और साहब भाई ने अपना खुद आके बताया था कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो वापस आया है या फिर नहीं आया है, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि जो साहब भाई का सफ़र है वो आज की डेट में साहब भाई ने अपने सफ़र को कितना तय किया है कितना नहीं, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं साहब भाई के सफ़र के बारे में। आज है 21 फरवरी और साहब भाई के सफ़र आज का 267वां दिन है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, साहब भाई को आज अपने घर केरला से निकले हुए पूरे 267 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों साहब भाई की अगर हम लाइव लोकेशन के बारे में बात करें तो साहब भाई अभी इस वक्त केरला के अंदर अपने सफ़र को मुकम्मल कर रहे हैं, उनके साथ में कोई भी दूसरा इंसान नहीं है, साहब भाई अकेले ही अपने सफ़र को मुकम्मल करता हुआ जा रहे हैं। और जैसे कि दोस्तों आप सभी भाइयों को पता होगा 18 तारीख में यानी कि 18 फरवरी के दिन साहब भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट है, जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये अकाउंट साहब भाई का हैक हो गया था। लेकिन अब आज की डेट में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साहब भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट वापस आ चुका है। साहब भाई ने लाइव खुद आकर अपना बताया है कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट अब जो है वो वापस आ चुका है। साहब भाई ने खुद लाइव आकर बताया है कि हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो वापस आ चुका है। उनका वीडियो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आप सभी भाइयों को बता दें, साहब भाई का जो सफ़र है वो ईरान के अंदर चल रहा है, और उनका जो वीडियो है वो आप सभी भाइयों को अभी इसलिए देखने को नहीं मिल पा रही है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है। साहब भाई ने बताया था कि यहाँ पर इनका नेटवर्क जरा थोड़ा सा ठीक से नहीं आ पाता है, इसी वजह से हम आप तक वीडियो नहीं पहुँचा पाते हैं। और साहब भाई के सफ़र के बारे में अगर हम बात करें तो आज है 21 फरवरी और साहब भाई ने अपना जो सफ़र है आज पूरे 40 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट कर लिया है। और जो साहब भाई का वीडियो अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम के बारे में और उनके सफ़र के बारे में, चलिए वो वीडियो क्लिप हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह ईरानिलानुल्लद കണ്ടില്ല മലകളാണ് മഞ്ഞാണ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ലൊരു കിലോമീറ്റർ അൽഹംദുലില്ലാ നടന്നു ഇതുവരെ ഇറാനിൽ വന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു റാഹത്തായിട്ട് നടന്നു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഒരാളിൻ്റെ ശല്യവും ഇല്ല തവക്കൽ തു അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് मैं अभी ईरान में है, इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है इधर। कल मेरे को इंडिया से एक मैसेज आया, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, इसलिए मैं अभी VPN ऑन करके बात कर लिया। VPN ऑन ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത്। അപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്, ഐസാണ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഇന്നലെ ഹാക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കോൾ വന്നു, കുറേ സ്ക്രീൻഷോട്ടും അതൊക്കെ കുറേ മെസ്സേജുകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു। ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടുപോണവർ കൊണ്ടോട്ടെ, സേലത്തുള്ളൊരു പയ്യന് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, അതിൻ്റെ മുന്നേ 5-6 പ്രാവശ്യം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ആക്കായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല। ഇവിടെ പസന്ത് ചിന്ന കുളന്ത് ഹാക്ക് പണ്ണടാ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പാത്ത് ഷിയാബ് എങ്കെയും പോക മാട്ടേ, ആ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കണ്ടിട്ടല്ല ഷിയാബ് ഇറങ്ങിക്കണത്, മീ ഷിയാബ് തവക്കൽ തു അലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാ അൽഹംദുലില്ലാ। അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഒക്കെ റീകവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ജിഹൂസ് നാട്ടിലുള്ള ടീം। ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും।